ये कहानी है दुनिया के सबसे क्रूर और आतंकी शासक चंगेज खान की, जो अपनी जिंदगी में कोई भी युद्ध नहीं हारा। अगर इतिहास के सबसे बर्बर और निर्दयी शासकों का जिक्र होगा तो चंगेज खान का नाम सबसे ऊपर आएगा। दुनिया में चंगेज खान से जुड़ी हुई बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन चंगेज खान की मृत्यु के बाद मंगोल भाषा में लिखी गई किताब द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स चंगेज खान के बारे में वो बातें बताती हैं जो शायद बहुत से लोगों को नहीं मालूम। वास्तव में वो कैसा था, कैसे उसने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की, कैसे वो इतने देशों को जीत सका और कैसे उसने मंगोल कबीलों को एक शक्तिशाली देश मंगोलिया की शक्ल दी। सन 1206 से 1227 तक उसने दुनिया में अपना साम्राज्य फैलाया और धरती के करीब 22% हिस्सों को जीत लिया। चीन से लेके उज़्बेकिस्तान, रूस, अफगानिस्तान, अफ्रीका, जापान, उत्तरी साइबेरिया, ईरान, इराक, बुल्गारिया और हंगरी तक चंगेज खान की हुकूमत थी। हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखने वाले बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक सभी मुगल बादशाह चंगेज खान के ही वंशज थे। दूर की सोच रखने वाले चंगेज खान की जन्म से लेकर मृत्यु तक की ये कहानी आपको इतिहास में लगभग 800 साल पहले ले जाने वाली है। सन 1162 में मंगोलिया में खेंती प्रांत में जन्म हुआ था चंगेज खान का। उसका असली नाम था तेमुजिन। चंगेज खान के पिता का नाम था येसुखई। वो मंगोल कबीले का बहुत शक्तिशाली सरदार था जिसने अपने दुश्मनों को हराकर अपने क्षेत्र का विकास किया था। आगे की कहानी में आपको ये पता चलेगा कि चंगेज खान अपने पिता से भी बड़ा योद्धा था। उसने भी अपने पिता की तरह कई लड़ाइयां लड़ी और जीती थी और इसी वजह से उसको खान की उपाधि मिली थी और उसका नाम तेमुजिन से बदलकर चंगेज खान कर दिया गया, जो बाद में बदलकर चंगेज खान हो गया। खान की उपाधि से ऐसा लगता है कि वो मुस्लिम था, लेकिन ऐसा नहीं है। चंगेज की माँ का नाम होयलन था। जब चंगेज पैदा हुआ था तो उसकी हथेली पर खून का एक धब्बा था। उसकी माँ ने जब वो खून का धब्बा देखा तो कहा कि ये लड़का तो अपने जीवन में बहुत सी लड़ाइयां जीतेगा और इसकी तलवार हमेशा किसी न किसी के खून से लाल रहेंगी। चंगेज जब मात्र 12 साल का था, उसकी शादी बोल्टे नाम की एक लड़की से तय कर दी गई। चंगेज की शादी तय होने के बाद उसका पिता येसुखई ये चाहता था कि चंगेज को भी मंगोल कबीले का मुखिया बना दिया जाए, क्योंकि चंगेज उसका सबसे बड़ा बेटा था। लेकिन चंगेज को मुखिया बनाने के लिए ये जरूरी था कि येसुखई नए क्षेत्रों पर कब्जा करे और फिर उन क्षेत्रों का मुखिया चंगेज को बना दे। उस समय मंगोल कबीले के सबसे बड़े दुश्मन थे तातार कबीले के लोग और येसुखई ने कई बार तातार कबीले पर हमला किया था। तातार कबीले के लोग काफी डरे हुए थे येसुखई से और वो उसको खत्म करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक साजिश रची। उनके क्षेत्र से लगकर ओलखुनट कबीले का क्षेत्र था। तातार कबीले ने ओलखुनट कबीले को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की। दरअसल ओलखुनट कबीले का मुखिया येसुखई से बहुत नफरत करता था, क्योंकि येसुखई की पत्नी होयलन ओलखुनट कबीले के मुखिया की बेटी थी, जिसको येसुखई ने भगा की शादी की थी। इस नफरत के बारे में जानते थे तातार कबीले के लोग और उन लोगों ने ओलखुनट कबीले के मुखिया को भड़काकर अपनी तरफ कर लिया और उससे कहा कि वो येसुखई को दावत पर बुलाए और उसके खाने में जहर मिला दे। ऐसा जहर जो धीरे धीरे काम करेगा, मतलब जब येसुखई दावत खाकर वापस अपने खेमे में चला जाएगा तब जहर काम करेगा। मतलब जहर को असर करने में कम से कम 20 से 30 घंटे लगेंगे और उसके अपने खेमे में पहुंचने के बाद हम यानी तातार कबीले के लोग उस पर हमला कर देंगे और उस हमले में हम येसुखई को भाले से घायल करने की कोशिश करेंगे, ताकि जब वो मरे तो सबको यही लगे कि वो जहर लगे भाले से मर गया। तातार कबीले के लोगों ने सोचा कि इस हमले में भले ही उनके सारे सैनिक मारे जाएं, लेकिन कम से कम उनके दुश्मन का तो सफाया हो जाएगा। साजिश के तहत ओलखुनट कबीले के मुखिया ने येसुखई को दावत का निमंत्रण भेजा, जिसको येसुखई ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसकी शादी के बाद पहली बार उसको ससुराल से निमंत्रण आया था। वो अपने कुछ सैनिकों को लेकर ओलखुनट कबीले में गया और वहां अपना खेमा लगाया। साजिश के तहत ओलखुनट कबीले के मुखिया ने येसुखई को खाने में जहर दे दिया। दावत खाकर जब येसुखई अपने कबीले में वापस आया तो कुछ समय के बाद तातार कबीले ने उस पर हमला कर दिया। उस हमले में तातार के सैनिकों ने इस बात का ध्यान रखा कि कम से कम एक भाला येसुखई को जरूर लग जाए, भले ही वो उसको बस छू ही ले। और ऐसा ही हुआ।
ये सुखई की बाह पर एक भाला आके लग गया। अपने सरदार को घायल देखकर मंगोल सैनिक भड़क गए और उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी तातार के लोगों को खत्म करने में। तातार के लगभग 100 सैनिकों ने उन पर हमला किया था और मंगोलों ने सबको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कुछ समय बीता और जहर ने अपना काम कर दिया और ये सुखई की मौत हो गई। इधर मंगोलों का मुखिया ये सुखई मर चुका था और उधर मंगोल सैनिकों ने तातार के सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। अब जब वहां कुछ बचा ही नहीं था तो वो वापस जाने लगे। एक साजिश सफल हो चुकी थी, लेकिन फिर एक दूसरी साजिश रची ये सुखई के भाई होतुला खान ने। होतुला खान को जब ये मालूम हुआ कि ये सुखई की मौत हो चुकी है, तब उसने सोचा कि अब यही सही वक्त है मंगोलों की सत्ता हथियाने का। ये सुखई जिन क्षेत्रों को जीतता था उनकी सेना और सरदारों को अपनी मंगोल सेना में शामिल कर लेता था। उसकी सेना में कई क्षेत्रों की सेनाएं होती थी। होतुला खान भी इस बात को जानता था। उसने सभी सरदारों से कहा कि वो अपनी सेना के लोगों को किसी बहाने से वापस बुला लें। उन सरदारों ने होतुला खान की बात मान ली, क्योंकि ये सुखई के परिवार में अब बस होतुला खान ही बचा था जिससे उनको ये सुखई की मौत के बाद खतरा था। सभी सरदारों ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। ये सुखई की सेना पूरी तरह से बिखर गई। उसकी सेना के बहुत से सैनिकों को होतुला खान ने अपनी तरफ मिला लिया और फिर ये सुखई की सेना में विद्रोह हो गया। कुछ सैनिक ये सुखई के वफादार थे तो कुछ होतुला खान से मिल चुके थे। सारे सैनिकों में आपस में ही जंग छिड़ गई। ये सुखई का पूरा परिवार बोर्जिगिन नाम की जगह पर रहता था। उनके ऊपर भी हमला करवाया होतुला खान ने, क्योंकि वो पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहता था। लेकिन ये सुखई के कुछ वफादार सैनिकों और कर्मचारियों ने चंगेज खान, उसकी माँ और उसके भाइयों को बोर्जिगिन से सुरक्षित निकाल दिया। चंगेज खान अपने परिवार को लेके जंगल में छिप गया और इधर होतुला खान ने बोर्जिगिन पर अपना कब्जा कर लिया। होतुला खान और बोर्जिगिन के लोग ये जानते थे कि ये सुखई के परिवार का कोई भी सदस्य अब जिंदा नहीं बचा है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी। यहाँ खत्म होती है चंगेज खान के पिता की कहानी और शुरू होती है चंगेज खान की कहानी, जो जारी रहेगी अगले एपिसोड में। लेकिन अगले एपिसोड को देखने से पहले, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक यू सो मच।